आइए हम देखते हैं कि इसको टेक्स्ट ऑप्शन कैसे डाली जाती है। तो सबसे पहले मेरे को ये जो पीछे वाइट कैनवास है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कैनवास पे सिलेक्ट करूँगा, शो कैनवास को ऑन को ऑफ करूँगा, तो मेरे को पीछे से पूरा कैनवास दिखना बंद हो जाएगा। अब मैं 3D व्यू पे क्लिक करूँगा ताकि मेरे को व्यू दिखना शुरू करे ना। पीछे जाने के लिए मेरे को इसमें काफ़ी बार ट्वीक करना पड़ेगा, काफ़ी बार आगे पीछे करना पड़ेगा। तो मैं तीन प्रोसेस इसके अंदर करूँगा। एक जूम आउट जूम इन, अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो ये पीछे चला जाता है और जूम इन करता हूँ तो पास चला जाता है। अब मैं माउस के बीच का बटन मिडल बटन दबा के रखूँगा तो ये पैन की स्टेट में चला जाता है। पैन की स्टेट मतलब पूरा सीन मेरे राइट से लेफ्ट या ऊपर से नीचे जा सकता है। और तीसरा, मैं अगर अपना राइट का माउस का बटन दबा के रखूंगा और इसको माउस को हिलाऊंगा तो ये आगे से पीछे रोटेट होएगा। तो मेरे को जूम आउट, जूम इन, रोटेट और पैन को तीनों को इस्तेमाल करते हुए इसको पीछे लाना है। अगर एक बारी में ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में 3D व्यू से 2D व्यू जाके बार बार जाके इसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपने इसके पीछे आ गया हूँ, अब हम इसके पीछे स्टिकर लगाएंगे। तो मैं स्टिकर पे क्लिक किया, उसके बाद हम इसकी आज एक आंख बनाएंगे। तो एक आंख इस पे लगाई, राइट पे क्लिक किया, उसके बाद हम इसको पीछे से जीप चढ़ाते हुए दिखाएंगे। तो मैंने रॉकेट की जीप बना दी, इसको मैंने लेफ्ट की तरफ थोड़ा मूव किया, जूम। अब मैं राइट का माउस का बटन दबा के देख रहा हूँ ये कि ये सही लगेगा कि नहीं, ये मेरे को सही लग रहा है तो मैंने टिक का बटन दबा दिया और ये हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपका स्टिकर लग गया आप स्टिकर को दोबारा अभी तक सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे कॉलीग्स माइक्रोसॉफ्ट में इस पे काम कर रहे हैं और सून ही अगले अपडेट में इसके अंदर या कुछ अपडेट बाद इसके अंदर डिलीट का बटन आ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है जैसे इसकी जीप जो है थोड़ी ऊपर हो गई है, अगर मेरे को इसको दोबारा नीचे लानी है तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ अंडू का बटन दबाऊंगा और ऊपर आँख का बटन दबाऊंगा अंडू, जो कि रिपीटेशन जो मैंने किया था वो हट जाएगा। अब हम दोबारा से लगाने की कोशिश करते हैं। इस पे एक बारी मैंने यहाँ पे लगाया, ओके किया, आँख थोड़ी बड़ी करी और जीप मैंने थोड़ी सी नीचे लगा दी, इसको थोड़ा सा मैंने अलाइन किया ऊपर के साथ ताकि जीप के साथ नीचे आए और ये मेरा पीछे वाला स्टिकर तैयार। अब हम आगे देखेंगे कि एक हिडन टेक्स्ट कैसे लगाते हैं इसके पीछे, और एक हिडन टेक्स्ट जो हम अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं जब वो पीछे की तरफ घूमे। आइए देखते हैं कि इसके पीछे हम एक हिडन टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। तो मैंने जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक किया, 3D टेक्स्ट पे क्लिक किया, अगर ये ऑलरेडी नहीं है, इस बारी हम टेक्स्ट थोड़ा छोटा रखेंगे। तो हमने 22 पे क्लिक किया, उसके बाद हम कहीं पे भी वो टेक्स्ट लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस पे लिखते हैं टू यू। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मेरे को फॉन्ट अच्छे वाला चाहिए। मैंने इसको सेगवे स्क्रिप्ट पे गया, पहले वाला टेक्स्ट, इस बारी फिर से मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया, इसको मैंने रीसाइज किया, जैसे हमने स्केल किया था वो टेक्स्ट पे भी अप्लाई करता है। अब ये टेक्स्ट हमको पीछे की तरफ लाना है, यानी कि दूसरी तरफ दिखाई दे। अगर मैं इसको 3D व्यू में अभी देखूंगा तो ये उस तरफ दिखाई देगा, बट मेरे को पीछे की तरफ आना है। तो पहले मैं पैन माउस के बीच का बटन दबाते हुए बिना छोड़े हुए इसको नीचे लाऊंगा ताकि मेरे को ये टेक्स्ट दिखाई दे। और अगर आप ये नीचे का रोटेशन का बटन देख रहे हैं तो मैं लेफ्ट माउस क्लिक करते हुए उसको घुमाऊंगा ताकि ये पीछे की तरफ हो जाए। अब ये पीछे की तरफ हो गया है। अब मेरे को ये देखना है कि ये जो टेक्स्ट है ये रॉकेट के इस तरफ हो ताकि जब कोई हैप्पी दिवाली देखे तो दिखाई ना दे, और दूसरा इसको ऊपर लेके आना है। तो अगर मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे ये रॉकेट के पीछे छिप जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट रॉकेट के पीछे की तरफ है। तो राइट का बटन माउस का दबाते हुए हम सीन घुमाएंगे, जैसे आपको दिख रहा है कि ये टेक्स्ट अब इसके आगे है, इसको पोजीशन करेंगे रॉकेट के पीछे। अब फिर वापस हम घुमाएंगे ताकि रॉकेट के सामने दिखाई दे, और अब हम रॉकेट के सामने प्लेस कर देंगे।
ये जैसे अभी थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे। तो मैं शिफ्ट का बटन दबाते हुए, इसको कोने का बटन दबाते हुए इसको छोटा करूंगा। उससे क्या है कि ये जो फॉन्ट का साइज है, जो मैंने शिफ्ट का बटन इसलिए दबाया है ताकि वो स्क्यूड ना हो जाए, वो टू जो है लंबा खिंच ना जाए, ताकि ये अजीब ना लगे, वरना ये कभी कभी ऐसे अजीब लग सकता है। तो ये अजीब ना लगे इसलिए टेक्स्ट को हमेशा शिफ्ट का बटन दबा के करना चाहिए। ये मेरे से गलती से अंडू का बटन दब गया, मैं इसको दोबारा से फिर कर देता हूँ। ऐसे घुमाया, 3D का बटन, राइट बटन क्लिक किया, इसको ऊपर लेके आया, लेफ्ट लेके आया, वापस मैंने 3D का बटन हटाया तो उसके पीछे दिखाई दे रहा है, फिर वापस 3D के बटन पे गया, इधर लाया, ऊपर किया, शिफ्ट का बटन दबा के छोटा किया ताकि वो स्क्यूड ना हो, टू और यू अलग अलग ना दिखे, और ये हो गया। अब मैं 2D व्यू में जाऊंगा तो मुझे नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, उसको हम फिर से ठीक कर लेंगे। 3D व्यू पे दबाया, उसमें अभी जैसे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है मेरे से, अगर मैं इसको वन एक टाइम दबाता हूँ, कोई बात नहीं ये होता रहता है। थोड़ा पास लाएंगे, अब इस पे दोबारा सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे वाई है उसके बीच में डंडी दबा के, इसको फिर से शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा और स्केल करेंगे, बीच में लाएंगे, और ये हो गया। अब हम एक बार फिर इसको ट्राई करेंगे 2D व्यू में, तो पीछे नहीं दिख रहा है, और 3D व्यू में अगर हम देखेंगे, जूम आउट करते हैं एक बारी, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या माउस का जो व्हील है उसको स्क्रोल आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो 3D व्यू देखा, नॉर्मल चिढ़ाने वाला, और ये बन गया हमारा रॉकेट तैयार। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको हम पब्लिश कैसे करते हैं फेसबुक के अंदर।